पहले जानेंगे हम डिटर्जेंट बॉक्स के बारे में। ये डिटर्जेंट बॉक्स है वॉशिंग मशीन का, ये है मेन वॉश, ये है प्री वॉश और ये सॉफ्टनर। सॉफ्टनर डालने के लिए यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। प्री वॉश का एक प्रोग्राम है जो कि हम आगे आपको बताएंगे। उसके लिए ये वाला कॉलम है और ये है मेन वॉश का डिटर्जेंट, यहाँ डालना है। ये है मेन फंक्शन, यहाँ से हम पावर ऑन करेंगे। लॉन्ड्री लोड इस जगह पे करेंगे। ये टैंक है, काफ़ी बड़ा टैंक मिलने वाला है आपको। 9 kg की वॉशिंग मशीन है, अंदर पूरा स्टेनलेस स्टील होता है, ठीक है, जिसमें रस्टिंग नहीं लगती है और कपड़े भी फ्रेश रहते हैं। एक चीज़ मैं और बता दूं आपको, इसके अंदर हीटर भी इनबिल्ट होता है। जैसे हम कोई भी प्रोग्राम लगाते हैं तो हमारे जो कपड़े होते हैं वो थोड़े से गर्म पानी में भी वॉश हो सकें, इसलिए इसमें इनबिल्ट हीटर होता है और सारे प्रोग्राम पे थोड़ा थोड़ा पानी गर्म होता है। कितने डिग्री में गर्म होगा पानी आगे जानते हैं। सबसे पहले यहाँ से हम पावर ऑन करेंगे लॉन्ड्री लोड करने के बाद। इसके बाद यहाँ से हम प्रोग्राम लगाएंगे। तो पहला प्रोग्राम है डेलीकेट्स का। डेलीकेट्स में हम हमारे पार्टी वेयर कपड़े वॉश कर सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 3 kg कपड़े ही हम इसमें वॉश कर पाएंगे, क्योंकि ये बहुत कम टाइमिंग में, 45 मिनट्स की टाइमिंग में ही वॉशिंग और रिंसिंग, स्पिनिंग तीनों चीज़ें कर देता है, जिससे कि 45 मिनट्स में ही सारे काम हो जाए। तो इसमें हम मैक्सिमम 3 kg लॉन्ड्री लोड कर सकते हैं, हमारे पार्टी वेयर लॉन्ड्री लोड कर सकते हैं। इसमें 45 मिनट्स की टाइमिंग लेता है और 20 डिग्री पानी गर्म करता है ऑटोमेटिकली। इसके बाद आता है हमारा हैंड वूल। हैंड वूल मीन्स जो कपड़े हम हाथ से वॉश कर सकते हैं, उसके लिए हैंड वूल है। इसमें 36 मिनट की टाइमिंग लेता है और 30 डिग्री तक पानी ऑटोमेटिकली गर्म करता है। इसके बाद आता है स्पोर्ट्स वेयर। ट्रैक सूट धुलने के लिए हम इसका यूज़ कर सकते हैं, लोअर, टी शर्ट्स। इसमें 52 मिनट्स की टाइमिंग लेता है और 40 डिग्री तक पानी को गर्म करता है। इसके बाद आता है क्विक 30। कुछ भी छोटे कपड़े हैं, अगर छोटी लॉन्ड्री है हमारे पास, जैसे कि हम लिंजरी धुल सकते हैं या सॉक्स हो गया, अंडरगारमेंट्स हो गए, ठीक है, छोटे छोटे कपड़े वॉश करने के लिए हम यहाँ पे क्विक 30 का यूज़ करते हैं। इसमें 20 डिग्री का पानी गर्म होता है और मैक्सिमम लॉन्ड्री इसमें हम 3 kg ही लोड कर सकते हैं। इसके बाद आता है डुवेट, जो दोहरी सतह वाले कपड़े धुलने के लिए होता है, अंदर और बाहर दोनों तरफ से धुलने के लिए, लाइक कुशन कवर, रज़ाई कवर, इस तरह से हम इसमें धुल सकते हैं कपड़े। 1 घंटा 33 मिनट की टाइमिंग होती है, लेकिन इसमें टेम्परेचर ऑटोमेटिकली नहीं लेता है। अगर आप इसमें गर्म पानी से कपड़े वॉश करना चाहते हैं तो यहाँ पे टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री, टाइम बढ़ता चला जाएगा अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो, ठीक है। इसके बाद आता है टप क्लीन। ये मशीन की सर्विस के लिए होता है। इसमें हम 30 वॉश के बाद एक बार टप क्लीन की साइकिल चलानी होती है, जिससे कि अंदर वाला जो टैंक है इसमें गंदगी आती है, स्केलिंग आती है, वो साफ़ हो जाती है। इसके बाद हमारा एक प्रोग्राम है डाउनलोड साइकिल। इस मशीन की ख़ास बात यह है कि इसको हम वाईफाई से कनेक्ट करके भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हमारे घर में वाईफाई राउटर अगर लगा हुआ है तो अपने फ़ोन से एक एप्लीकेशन डाउनलोड होता है, वो मैं आपको फिर बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल के लिए इसमें डाउनलोड साइकिल में एक डाउनलोड मैंने कर रखा है ऑलरेडी, मैंने अपने फ़ोन से कनेक्ट करके करा था। तो मैंने एक प्रोग्राम डाउनलोड किया था इसमें, जो डाउनलोड साइकिल के नाम से था और जिसमें रिंस प्लस स्पिन, ये क्लॉथ रिफ्रेशिंग का ऑप्शन है इसमें। जैसे कि बहुत टाइम के लिए हमने अलमीरा में रख रखे हैं कपड़े, उसके बाद हम निकालते हैं तो उसमें एक स्मेल आती है, अगर उस तरह का हमारे पास कोई भी कपड़ा है तो हम रिंस प्लस स्पिन कर सकते हैं, जिससे कि कपड़ा वो हमारा रिफ़्रेश हो जाएगा, जिसको हम क्लॉथ रिफ्रेशिंग भी बोल सकते हैं। इसमें डिटर्जेंट की नीड नहीं होती है। इसके बाद आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम्स हमारे बेबी स्टीम केयर। न्यू बॉर्न बेबी के कपड़े हम इसके अंदर वॉश कर सकते हैं, जिसमें वॉशिंग मशीन 60 डिग्री का पानी ऑटोमेटिकली गर्म करती है, ठीक है। इसमें टाइमिंग नहीं आ रही है क्योंकि वेट के अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइमिंग लेगा, मतलब जितना केजी कपड़ा आप इसके अंदर डालेंगे, जितने केजी लॉन्ड्री इसके अंदर डालेंगे, उसके हिसाब से ही ये प्रोग्राम लेगा और वहीं से टाइमिंग लेगा। इसके बाद आता है एलर्जी केयर। कुछ हमारे घर में, मान लीजिए अगर हम बीमार हैं, ठीक है, तो हमारे कपड़े और बाकी घर वालों के कपड़े अलग अलग वॉश किए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है या जब हम बीमार होते हैं तो हमारी बॉडी में जर्म्स ज़्यादा होते हैं, उस समय अगर हमको
कपड़े अपने वॉश करने हैं तो हम एलर्जी केयर प्रोग्राम पे वॉश करेंगे, इसमें स्टीम साइकिल जनरेट होगी, स्टीम साइकिल चलेगी और 60 डिग्री का पानी वॉशिंग मशीन गर्म करेगी। इसके बाद आता है साइलेंट वॉश। अगर मशीन हमको रात में यूज़ करनी है, कहीं कहीं पे कंजेस्टेड एरियाज होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि वॉशिंग मशीन भी एक रूम में ही रखी होती है, दूसरे एक ही रूम में हमको सोना भी होता है, तो मशीन से डिस्टर्बेंस ना हो इसलिए हम साइलेंट वॉश का प्रोग्राम यूज़ कर सकते हैं, रात में मशीन यूज़ कर सकते हैं। इसके मूव्स बहुत स्लो हो जाते हैं साइलेंट वॉश पे, 40 डिग्री का पानी साइलेंट वॉश पर भी ये गर्म करेगी, मूव्स स्लो हो जाएंगे जिससे कि हम डिस्टर्ब भी ना हो मशीन से और मशीन भी अपना काम कर ले। इसके बाद आता है इजी केयर। ईजी केयर में हम उस टाइप के कपड़े धुल सकते हैं जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में हैंड वूल बताया था, वो भी हम हैंड वॉश करते हैं, या फिर ईजी केयर कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जिसको हम ब्रश से साफ़ नहीं कर सकते, वो कपड़े हम इस पर ईजी केयर प्रोग्राम पे वॉश कर सकते हैं, इसमें भी 40 डिग्री का पानी गर्म होता है। इसके बाद आता है मिक्स्ड फैब्रिक। कॉटन और पॉलिस्टर के मिक्स कपड़े हम इसके अंदर डाल सकते हैं या छोटे बड़े मिक्स कपड़े इसके अंदर हम डाल सकते हैं। इसके बाद आता है कॉटन प्लस। कुछ बड़ा कॉटन होता है हमारे पास जैसे कि बेडशीट हो गया, कर्टन्स हो गया, टॉवल्स हो गए, तो इस तरह से जो बड़े कॉटन है हमारे वो हम कॉटन प्लस प्रोग्राम पे लॉन्ड्री को साफ करेंगे। 60 डिग्री का पानी इसके अंदर भी गर्म होता है। कॉटन के कपड़े हम इस पर वॉश कर सकते हैं कॉटन के प्रोग्राम पे। मैक्सिमम 9 केजी लोड इसमें डाल सकते हैं हम। इसके बाद हमारे कुछ AI फीचर्स हैं जो कि यहाँ पे शो हो रहे होंगे डिस्प्ले पे। सबसे पहला है इंटेंसिव। सपोज़ हमने कॉटन का प्रोग्राम लगाया, अब हम चाहते हैं कि हमारे कॉटन के कपड़े वो ज़्यादा गंदे हैं तो इसलिए थोड़े से और अच्छे वॉश हों, तो हम यहाँ से इंटेंसिव लगा देंगे। जब इंटेंसिव टच कर देंगे तो क्या होगा, प्रोग्राम लंबा हो जाएगा, ठीक है, मतलब कि कपड़े अच्छे से वॉश होंगे। इंटेंसिव मतलब ज़्यादा गंदे कपड़ों के लिए इंटेंसिव का यूज़ करते हैं हम, ठीक है, जिसमें कि अच्छे से कपड़े वॉश हो जाएं। अगर हमको इसको नहीं यूज़ करना है तो दोबारा टच करके हटा देंगे। इसके बाद आता है रिंस प्लस। कुछ कपड़े हमारे कॉटन के होते हैं जिसमें कॉटन की स्मेल, डिटर्जेंट की स्मेल रह जाती है, ये रिंस प्लस है। इसमें मशीन क्या करती है, एक वन एडिशनल रिंस कर देती है जिससे कि जो कपड़े हमारे होते हैं जिसमें डिटर्जेंट की स्मेल रह जाती है वो नहीं रहेगी अगर हम रिंस प्लस चला देंगे तो। इसके बाद हम रिंस प्लस भी हटा सकते हैं। इसके बाद आता है प्री वॉश, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था डिटर्जेंट बॉक्स के लिए। प्री वॉश मीन्स अगर हमारे घर में कोई फील्ड वर्क करता है तो उस कपड़ों में ड्राई डस्ट ज़्यादा होती है, ड्राई डस्ट को हटाने के लिए हम प्री वॉश का यूज़ कर सकते हैं। प्री वॉश में क्या होता है, पहले अगर आप लॉन्ड्री लोड करने के बाद आप मशीन को चला देंगे, प्री वॉश लगा देंगे, तो प्री वॉश में पहले मशीन थोड़ा सा पानी सादा ले लेती है और कपड़ों की जो ड्राई डस्ट होती है वो हटा देती है, उसके बाद डिटर्जेंट वाला पानी लेती है और कपड़े को वॉश करती है। इसके बाद आता है डिले एंड और वाईफाई। वाईफाई के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए हम वाईफाई के बारे में अभी नहीं जानेंगे, वाईफाई की वीडियो अगली मैं आपको दे दूँगा। इसके बाद आता है डिले एंड। डिले एंड मतलब ये होता है कि अगर हमको मशीन को डिले एंड मतलब टाइमिंग, 3 घंटे का अगर हमने इसमें डिले एंड ले लिया तो ये 3 घंटे के बाद वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली अपने आप बंद हो जाएगी, ठीक। इसमें मैक्सिमम हम 19 घंटे तक का डिले ले सकते हैं। इसके बाद आता है ऐड आइटम और रिमोट स्टार्ट। तो रिमोट स्टार्ट ये है, जब हम वाईफाई से कनेक्ट करेंगे तो यहाँ से रिमोट स्टार्ट करेंगे तभी हमारी वॉशिंग मशीन फ़ोन के थ्रू ऑपरेट हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद आता है ऐड आइटम। जब अगर हमने वॉशिंग मशीन यहाँ से पावर ऑन किया, यहाँ से प्रोग्राम लगाया और यहाँ से स्टार्ट कर दिया, ठीक है, तो इसका डोर लॉक हो जाता है, ठीक। अब अगर हम चाहते हैं कि हम ऐड आइटम करके कपड़े को ऐड कर दें, मतलब कुछ कपड़े अगर हमारे बचे हुए हैं उसको हम ऐड करना चाहते हैं, तो हम यहाँ से ऐड आइटम को टच करेंगे, इसका डोर अनलॉक हो जाएगा और हम यहाँ से लॉन्ड्री को लोड कर सकते हैं। उसके बाद इसको बंद कर देंगे और फिर से स्टार्ट की कमांड दे देंगे, फिर से वॉशिंग मशीन ऑटोमेटिकली रन करने लगेगी। बट ऐड आइटम तभी काम करेगा जब तक वॉशिंग मशीन में पानी नहीं आता। जब अगर वॉशिंग मशीन में पानी आ गया तो फिर ऐड आइटम काम नहीं करेगा। अगर एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, अगर इस वॉशिंग मशीन में आपको केवल स्पिन करना है तो पावर ऑन करेंगे। पावर ऑन करने के बाद यहाँ पे स्पिन है, स्पिन के RPM सेलेक्ट करेंगे, 1400 मैक्सिमम RPM है,
और फिर यहाँ से स्टार्ट कर देंगे तो फिर ये सिर्फ स्पिन करेंगे। मिनिमम 4 लीटर से वॉशिंग स्टार्ट कर देती है ये, 4 लीटर पानी मिनिमम अगर है तो ये वॉश कर देगी कपड़ों को। आज की वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी ही आपसे मुलाकात होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को हमारे, और एक प्यारा सा कमेंट कर दें, आपके कमेंट से हमें बहुत ही खुशी मिलती है। थैंक यू।